हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे और उसके हम करेंगे पार्ट्स। ये तो रिटायर हो गया, इसको ख़त्म कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर करते हैं जी 5। ठीक है, और उसके पार्ट्स करते हैं हम लोग जी फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड भी कर देते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है वो लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 48x माइनस 12x² माइनस 64। फिर देखें जी एक्स स्क्वायर, ओह सॉरी एक्स क्यूब, क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस का 12x² और माइनस का 64। ठीक है, जबकि जो इधर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस का 18x². ठीक है, प्लस का 108x। ठीक है, माइनस का 2/6। फिर देख लो, जब भी देखना इसमें डबल देखने से फायदा होगा ना, वरना टाइम गलत हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस का 108x और माइनस का 2/6। जबकि इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 6 के भी दो पार्ट्स लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वो एक है जी आपके पास, इसको करते हैं जी फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, जो फर्स्ट है वो लिखा हुआ है 27 प्लस 8x³, और जो सिक्स का सेकंड लिखा हुआ है जी वो लिखा हुआ है आपके पास 125 x³ माइनस 216 y³। 125 x³ माइनस 216 y³। ठीक है, और इधर लिखा हुआ जी 27, ठीक है, प्लस 8x³। नहीं जी, अब इसके मैंने जो पार्ट्स हैं वो लिख दिए हैं डिफरेंट। ठीक है, इसको लिखा हुआ वैसे ही होगा फैक्टराइज। तो आपका जो पहला फॉर्मूला था वो क्या था, कॉमन लेना, फिर कॉमन के बाद रीअरेंजमेंट एंड कॉमन। ठीक है, उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला था, फिर सम एंड प्रोडक्ट था, सारों के हमने ट्राई किया। अब इधर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो वेरी गुड, नहीं आते ठीक है तो मैंने अलग से लिखे हुए, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सारे सारे फॉर्मूले आप इकट्ठे लिख लो और उसके बाद आप नोट कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी इधर, अगर आप इसको गौर से देखो तो ये क्या बनता है, ये बनता है एक्स का होल क्यूब। क्या बनता है, एक्स का होल क्यूब। और ये क्या बनता है, ये बनता है आपके पास माइनस 4 का होल क्यूब। क्या बनता है, 4 का होल क्यूब। ये देखो, ये एक्स का होल क्यूब बन गया, ये माइनस 4 का होल क्यूब बन गया। ये क्या बनेगा जी आपके पास, प्लस। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, बेसिकली फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पहले नोट कर लेते हैं। जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, पहले मैं इसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो बनेगा आपके पास 1 + b होल क्यूब। ठीक है, वो क्या आता है जी, ए का क्यूब, ठीक है, प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसकी दूसरी फॉर्म क्या आती है, इसकी दूसरी फॉर्म जो लिखने चाहो, पहले पहले पहली फॉर्म ही लिख देते हैं, बल्कि पहले फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उससे फिर ये यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है जी, क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला है आपके पास a + b होल क्यूब। वो क्या आता है जी, वो होता है a³ + b³ + 3ab। ठीक है, और a + b, जब आप इसको एक्सपेंड करते हो तो वो बन जाते हैं a³ + b³ + इसको मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा, 3a²b। जब इसको इसके साथ करोगे तो क्या रहेगा, 3a² और b² ये देखो, 3 a को किया a के साथ a² और b, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 a और b b²। ठीक है, तो ये असल में बेसिकली इसके रिवर्स फॉर्मूले, कि ये दिया हुआ है इस वक्त और ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह जब माइनस पे जाते हो तो आ जाता है a³ - b³। वो क्या आता है जी, a³ - b³ - 3ab और a - b। जब आप इसको खोलते हो तो ये भी बन जाता है a³ - b³
माइनस ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री ए स्क्वायर बी बन जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है जी, समझ लगी बात की। तो इसमें ये वाली जो टर्म्स है ना, ये वाली जरा साइड पे लिखी हुई है, ये वाली टर्म्स कहाँ लिखी हुई है साइड पे, एंड पे, तो यानी ये इस तरह लिखा हुआ ए क्यूब, ठीक है, आगे प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर, माइनस का थ्री ए स्क्वायर बी, माइनस बी क्यूब, बस ये साइड पे लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैंने क्या किया, इसको शेप दे दी एक्स का होल क्यूब और इसको माइनस थ्री का माइनस फोर का होल क्यूब, क्योंकि फोर 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 हज़ार सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर हज़ार सिक्सटी फोर बन जाएगा। उसके बाद इधर क्या आएगा, इधर आएगा आपके पास ये वाली टर्म, ठीक है, ये माइनस वाला फॉर्मूले पे जा रहे हैं, तो या ये वाली लगा सकते हो या ये वाली लगा सकते हो, चेक करते नहीं कौन सी बनती। फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या बनता है, फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास बनता है माइनस थ्री ए बी स्क्वायर और प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, चलो जी लगाओ क्या रहेगा जी, थ्री फॉर्मूले वाला ये वाला, ए हमारे पास क्या है ये वाली, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है ये वाली, और बी का क्या लगाते हैं हम स्क्वायर, बी का क्या लगाते हैं स्क्वायर, डन। ठीक है, या इसको रीअरेंज क्यों लगा ले, रीअरेंज कर लेते सिस्टमेटिक हो जाएगा बजाय इस तरह करने के, इसको रीअरेंज कर देते ताकि ये आसान ही हो जाए, ठीक है, फिर स्मूथ जाएगा। ये क्या बनेगा जी, एक्स क्यूब माइनस सिक्सटी फोर, फिर माइनस का ट्वेल्व एक्स स्क्वायर और प्लस का 48x। मैंने इसको क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया ताकि फॉर्मूले में आसानी लगे। अब ये नीचे वाले को भूल जाओ, अब हम सीधा इस पे जाते हैं, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पे। तो क्या ये इसकी शेप में दिया हुआ, अगर ये दिया हुआ तो हम a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। कैसे, ये क्या बनेगा x का होल क्यूब माइनस ये क्या बनता है 4 का होल क्यूब। तो ये बेसिकली ये वाला a माइनस बी का होल क्यूब क्यूब बन रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री, ठीक है, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर में क्या आएगा एक्स का स्क्वायर, बी में क्या आएगा जी जो इसके नीचे फोर, फिर आगे क्या आता है जी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ए हमारे पास क्या आएगा एक्स, बी स्क्वायर क्या आएगा फोर का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, ये क्या बनेगा माइनस फोर होल क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, ये बन गई ना वापस माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, ये करोगे तो क्या आएगा प्लस थ्री, थ्री को फोर का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर क्या आएगा सिक्सटीन, सिक्सटीन को थ्री से देंगे तो 48x। ये घूम क्या आपके पास बन जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ये आंसर है। मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया था, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, मैंने उसको रीअरेंज कर दिया, मैंने एक्स क्यूब और ये 64 इकट्ठा कर दिया ताकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाए। उसके बाद मैंने माइनस वाली पहले लिख दी और ये वाली बाद में लिख दी, बेसिकली आना इस तरह ही चाहिए ना ये फॉर्मूला। ये देखिए जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो होता है ए क्यूब माइनस थ्री माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, ठीक है, और ए माइनस बी, जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ए वाली टर्म पहले आती, तो मैंने इसलिए ये जो माइनस ट्वेल्व वाला है इसको पहले लिख दिया, 48 वाले को बाद में लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास इस शेप में दिया हुआ ये वाला सवाल, ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस शेप में दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कितने टर्म्स है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक है, तो हमें समय लग जाती है क्यूब का फॉर्मूला है, जब आप भी बार बार करोगे तो आपको पता लगना शुरू हो जाता है। अब आपने क्या किया, इसको मैं ला दिया इसके साथ, ठीक है, तो ये आएगा आपके पास, अब मैं इधर आ जाता हूँ, ये बनेगा ए क्यूब ये माइनस बी क्यूब माइनस, ये देखें क्या आ रहा है माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, तो माइनस थ्री ए हमारे पास क्या है जो इसके नीचे है, तो माइनस थ्री ए स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बी हमारे पास क्या है जो इसके नीचे है फोर, डन। और ये क्या आता है जी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए हमारे पास ये एक्स और बी का स्क्वायर करेंगे तो फोर का स्क्वायर कर देंगे, जब फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन, ठीक है, याद रखना। अब ये आएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई करके देखो माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर वापस आता है, आता है, इसको करते हो तो ये 48 कैसे बनेगा, फोर का स्क्वायर कितना आएगा 16, 16 को थ्री से करो तो क्या आएगा 48x, डन। तो इसका मतलब ये बन जाएगा, ये इसकी राइट हैंड साइड गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड ये बनेगी, तो आएगा ए हमारे पास इसके नीचे, बी इसके नीचे, ए माइनस बी का
उल के डन। ठीक है चलो अब इसको करते हैं, अब इसको नीचे वाले को रब कर देते हैं, फॉर्मूला लिखा रहने दो, चलो कोई बात नहीं लिखा रहने दो, अब इसको करते नहीं, रीअरेंज कर लेते हैं, क्या आएगा जी एक्स क्यूब माइनस 216। ठीक है उसके बाद क्या आएगा जी माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्लस का 108x। शेप दो इसको, क्या बनेगा ए क्यूब माइनस ये 6 का क्यूब बनेगा, कैसे ये कैसे था 64 था ना, तो 4 4 16 64 64, तो ये 64 बना था, इस तरह ये 6 का क्यूब बनेगा, 6 6 36, उसको 6 से करोगे 216 आएगा, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। आगे क्या लिखते हैं माइनस 3a² b, तो माइनस 3a² और b ये लिखते हैं ना, तो a हमारे पास क्या है जो इसके नीचे होता है x, b हमारे पास क्या है जो इसके नीचे होता है 6। ये देखो माइनस 18x² बनता है कि नहीं बनता, बनता ना, आगे क्या आता है प्लस 3ab² ऐसे है जी। अब हमारे पास 3a हमारे पास क्या है जो इसके नीचे था वो x था, और b हमारे पास क्या है 6, उसका स्क्वायर बनेगा। ठीक है तो ये जब करोगे तो ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ये क्या बन जाएगा a² ठीक है, ये 6 a² b प्लस 3 ठीक है, ये x और ये क्या बन जाएगा 36। अब यहाँ तक ये काफ़ी है, तो मैंने ये बात की तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, इसकी राइट हैंड साइड दी है तो लेफ्ट हैंड क्या बनेगी ए साइन ये वाला जो इसके साथ लगा हुआ माइनस बी हमारे पास क्या था 6 होल क्यूब। ये देखो वापस आना चाहिए चीज़ें, 3 6 18 x² आता है आते हैं, इसको करते हो तो मैंने इसलिए 6 का स्क्वायर करके सॉल्व किया, इधर मैंने नहीं किया था, मैंने वैसे आपको शो करा दिया, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 108 आता है। ठीक है तो ये भी हो गया डन। अब नीचे वाले करते हैं, उसके लिए ये वाली चीज़ रब कर देते हैं। ठीक है अब उसका एक्सटेंडेड फॉर्मूला लॉन्च, इसको रब कर देते हैं, लॉन्च। ये क्या बनेगा जो आपके पास, ये बनेगा 3 का होल क्यूब, और ये क्या बनेगा 2x का होल क्यूब, और ये क्या बनेगा आपके पास 5x का होल क्यूब माइनस 6y का होल क्यूब। ठीक है ये कि पहले हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था, और a माइनस बी का पहले हमने a प्लस बी का होल क्यूब किया था, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, अब क्या कौन सा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो मैं इस तरह करता हूँ, मैं ऊपर वाला थोड़ा सा रब कर लेता हूँ ताकि मैं ऊपर फॉर्मूला यूज कर दूँ और नीचे ये कर दूँ। ठीक है आसान हो जाएगा, इसको रब कर देते हैं ताकि वो फॉर्मूला भी एक्सप्लेन आराम से हो जाए। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसको दो पार्ट्स करेंगे। ठीक है तो ये आसानी के साथ आपके पास हो जाएगा। देखो जी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, वो क्या है 27 प्लस 8x³, और क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर उसका शायद 2 है। ठीक है या देख लेना कौन सा होगा, जो सा भी हो देख लेना। ठीक है शायद 2 है या 3 है, मैंने देखा नहीं। चलो 125x³ माइनस 216y³, ये पार्ट नंबर खुद ही देख लेना इधर। ठीक है मैंने इधर नहीं लिखा, उधर मैं मेंशन कर दूंगा जब मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दूंगा ना, मैं लिख दूंगा। ठीक है चलो अब ये देखो, अब पीछे जो हमने किया ना पिछले सवाल में फॉर्मूला, वो a प्लस बी का होल क्यूब था, वो क्या था a प्लस बी का होल क्यूब। अब जो करेंगे ना ये करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आता है a प्लस बी और a² प्लस b², ये इन दोनों का उल्टा साइन होता है माइनस ab, इसको आप मिडल में भी लिख सकते हो। ये देखो a प्लस बी a² माइनस ab प्लस का b² लिख सकते हो। ठीक है ये देखो ये क्या बनेगा 3³ प्लस 2x का होल क्यूब, 3 का क्यूब करोगे 3 3 9 9 3 27 प्लस 2 2 4 4 2 8x³ डन। तो मैंने क्या किया इसको, ये बन गया a
प्लस बी, तो ए प्लस बी लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या लिखना है जी, ए का स्क्वायर, ए मेरे पास क्या है थ्री का स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या लिखना है बी का स्क्वायर, तो बी मेरे पास क्या है टू एक्स का स्क्वायर। उसके बाद मैंने उल्टा साइन लगाना है, इधर प्लस है तो मैंने माइनस लगाना है, ए बी, ए मेरे पास थ्री है और बी मेरे पास टू एक्स है। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये ए प्लस थ्री प्लस टू एक्स आ जाएगा, ये क्या आएगा जी नाइन प्लस ये टू का स्क्वायर फोर और एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, तो क्या आएगा जी आपके पास, सीधा भी काटेंगे लिख सकते हो टू एक्स प्लस थ्री और फोर एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स प्लस का नाइन, ये आंसर आ गया। डन, कुछ मुश्किल नहीं है। अब इसको करते हैं क्यू वाले को, अब माइनस वाला फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, आप चाहो तो इसको मल्टीपल में भी लिख सकते हो, ये क्या आएगा जी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर में पॉजिटिव होता है, इसका माइनस आए तो इसका क्या लगाएंगे प्लस, जब देखो प्लस था तो बीच में माइनस और जब माइनस था तो प्लस, तो इसको शेप दे दो, ये फाइव एक्स का होल क्यूब माइनस सिक्स वाई का होल क्यूब, डन, ठीक है, तो क्या बनेगा इसको देखते हो आप, तो ये वाला फॉर्मूला ए माइनस बी, ए हमारे पास ये है बी हमारे पास ये है, ए माइनस बी लिख दिया, डन, ए माइनस बी लिख दिया। अब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या है जी प्लस बी स्क्वायर है, बी की जगह क्या आएगा ये वाला सिक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद उल्टा साइन है, अगर इधर माइनस है तो इधर क्या लगेगा प्लस, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए हमारे पास क्या है फाइव एक्स और बी हमारे पास सिक्स वाई है, ठीक है जी, ये क्या रहेगा जी फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई, सॉल्व कर दो इसको, फाइव का स्क्वायर कितना आता है ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स वाई स्क्वायर हो गया, प्लस सिक्स फाइव जार थर्टी एक्स वाई हो गया, डन, ठीक है, नोट कर लो जी इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जरा वीडियो देखो पीछे।